नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, व्हाट इज बैक टू बैक LC, यानी बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। हमारा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है कि सर एक वीडियो बनाइए कि बैक टू बैक LC लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहां बता देना चाहूंगा कि उनके लिए भी हम बनाएंगे और बाकी सभी व्यूवर्स के लिए भी, जो कि सबको देखने में बेनिफिट हो सकता है ये कंटेंट देखने में। तो इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी एक बायर जो अल्टीमेटली विदेश में बैठा हुआ है जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं, वो एक पार्टी है, एक उसका बैंक है और एक मैं हूं। जैसे मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, जैसे हम इमिटेशन ज्वेलरी का भी मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करते हैं, यानी हम मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और अपने बायर को सप्लाई करते हैं। तो एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया और एक एक्चुअल में वो हो गया बंदा जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर हो गया, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया और एक बायर हो गया अल्टीमेटली। तो ये तीन पार्टी होती है और तीनों का आपस अपना अपना बैंक होता है, यानी बायर का बैंक हो गया और मर्चेंट एक्सपोर्टर का बैंक हो गया और मैन्युफैक्चरर का बैंक हो गया। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ट्रेड के बारे में बता देता हूं कि नॉर्मल ट्रेड क्या होता है। नॉर्मल ट्रेड में अगर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब जिसे आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आपका जो बायर है वो आपको एडवांस में पैसा नहीं दे रहा है, वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आपको पैसा देना चाह रहा है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो इसमें ट्रेड होता है वो क्या करेगा, अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करेगा और अपने बैंक से एक LC ओपन कराएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। जितना इनवॉइस वैल्यू है, जो आपका इनवॉइस वैल्यू है उतने का आपका लेटर ऑफ क्रेडिट वो ओपन कराएगा और वो उसका बैंक भेजेगा आपके बैंक को, यानी मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मेरे बैंक को वो भेजेगा और मेरा बैंक फिर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में विद इन 7 डेज वो मुझे दे देगा। यानी वो डिपेंड करता है कौन सा आपका LC, इरिवोकेबल एट साइट अगर आपका LC है, तो टाइप ऑफ LC क्या क्या टाइप की LC होती है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट के क्या क्या टाइप होते हैं और कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ बायर होता है, इन फेवर ऑफ सप्लायर होता है, इन फेवर ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है। तो अगर आप रिवोकेबल अगर LC में काम करते हैं तो वो सप्लायर के फेवर में नहीं होता, यानी वो हमारे एक्सपोर्टर के फेवर में नहीं होता है, वो कभी भी जो भी आपका बायर है वो आपको बिना बताए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट में काम करें यानी LC में काम करें, तो हमेशा आपका LC इरिवोकेबल होना चाहिए, यानी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन टू द बायर, टू द सप्लायर, यानी जो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, तो आपको बिना इंफॉर्मेशन दिए कोई भी आपका बायर आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, वो अगर वीडियो आपने देखा तो वो हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख लीजिए जरूर फ्रेंड्स। तो अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर आप हैं तो आपको वो उतने ही वैल्यू का आपका बैंक जो है वो आपको पैसा दे देगा, अगर आपका इरिवोकेबल LC एट साइट है। एट साइट का मतलब होता है कि आपको विद इन 7 डेज, जैसे आपका बिल ऑफ लेडिंग आपने दे दिया, बिल ऑफ लेडिंग आपको कब मिलेगा, जब आप FOB कर देंगे, यानी फ्री ऑन बोर्ड कर देंगे। फ्री ऑन बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेना है और अपने वेयर हाउस तक लेके आना है या फिर आपको मेन पोर्ट तक लेके आना है। अगर आप मेन पोर्ट आपके पास में नहीं है तो आपके पास में ICD है, इनलेट कंटेनर डिपो। इनलेट कंटेनर डिपो के लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो इनलेट कंटेनर डिपो जिसको ड्राई पोर्ट बोलते हैं या फिर ICD बोलते हैं, तो अपने ICD में आप कस्टम क्लीयरेंस करा सकते हैं और अपने कस्टम क्लीयरेंस करा के आप FOB करा सकते हैं। फिर FOB कराने के बाद में आपको जो वहां पर शिफ्ट इंचार्ज होगा, जो आपका जो कैप्टन होगा, शिप का कैप्टन होगा, वो आपको बिल ऑफ लेडिंग देगा। बिल ऑफ लेडिंग के अगेंस्ट में आपका जो बैंक होगा वो बैंक विद इन 7 डेज आपको पैसा ट्रांसफर कर देगा आपके अकाउंट में, यानी जो आपका करंट अकाउंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ट्रेड था। नॉर्मल ट्रेड में अभी यहां पे आता है बैक टू बैक LC। तो बैक टू बैक LC का क्या यहाँ पे बेनिफिट क्या रहता है, जैसे अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ और मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी मेरे पास अभी, जैसे अगर मेरा बायर है तो वो मुझे 7 डेज के बाद में, यानी पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद में आएगा, लेकिन मीन वाइल मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो या तो मुझे मैन्युफैक्चरर से, जो
मैन्युफैक्चरर हैं उससे मुझे कुछ उधारी में पैसा, उधारी में कुछ सामान मिल जाए, तो अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने जो जो मेरा सप्लायर है यानी जो मेरा मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को भी मैं एक एलसी दूंगा। तो वो एलसी, जैसे अभी हमेशा एक बार क्वेश्चन ये आता है कि एलसी कौन ओपन कराता है, एलसी वही हमेशा ओपन कराता है जिसको पैसे देने होते हैं, जिसको पैसे देने होते हैं और गुड्स चाहिए होता है। तो अभी इस केस में मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को अभी गुड्स चाहिए और मुझे पैसे देने हैं किसको, मेरे सप्लायर को देने, यानी मुझे मेरे बायर को पैसा देना है। मुझे अगर मेरे बायर को पैसा देना है और कैश मेरे पास में नहीं है तो मुझे उसको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ऑफ एलसी यानी एलसी। तो एलसी वो कैसे ओपन कर सकता हूं मैं, या तो मेरे पास में कुछ घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए यानी मैं कुछ गिरवी रख के दे सकता हूं, या फिर मेरे पास में जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है जो कि मेरे बायर ने मुझे दिया है, तो वो उसको गिरवी रखे नहीं, उसको कोलैटरल रखे मैं एक नया एलसी ओपन करा लूंगा, यानी मैं अपने बैंक के पास में जाऊंगा, अपने बैंक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा ओरिजिनल एलसी है, ओरिजिनल एलसी को आप कोलैटरल रख लीजिए और कोलैटरल रख के मुझे एक नया इशू कीजिए एलसी, जो कि जिसको बैक टू बैक एलसी बोला जाएगा यानी बी टू बी एलसी। तो बैक टू बैक एलसी का वैल्यू थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू, और उन दोनों के डिफरेंस जो ओरिजिनल एलसी होता है और जो बैक टू बैक एलसी होता है, उन दोनों के डिफरेंस को ही बोला जाता है ट्रेडर का प्रॉफिट मार्जिन, उसको एक एग्जांपल के उससे भी समझेंगे फ्रेंड्स। तो बैक टू बैक हमारा बैक टू बैक एलसी हमारा जो बैंक है वो मुझे बैक टू बैक एलसी दे देगा और मैं बैक टू बैक एलसी अपने जो हमारा जो बैंक है वो मैन्युफैक्चरर के बैंक को भेज देगा और मैन्युफैक्चरर का बैंक जो है मैन्युफैक्चरर को अल्टीमेटली वो बैक टू बैक एलसी दे देगा और मैन्युफैक्चरर को अल्टीमेटली पैसा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसीजर कि आपको बैक टू बैक एलसी का प्रोसेस कैसे होता है। अब अगर इसमें ये बात करें कि बैक टू बैक एलसी में अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से अगर समझते हैं, तो अगर ओरिजिनल जो एलसी है, ओरिजिनल एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसका वैल्यू अगर 10 लाख है यानी इनवॉइस कॉपी, जैसे इनवॉइस वैल्यू जो हमारा था गुड्स का, एक कंटेनर हम भेज रहे हैं तो एक रफ वैल्यू हम ले लेते हैं कि 10 लाख का हमें कंटेनर अमेरिका भेजना था, यूएसए भेजना था, तो 10 लाख का कंटेनर अभी मेरे पास में 10 लाख रुपये नहीं है, तो मुझे सप्लायर से गुड्स लेना है यानी मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेना है और मुझे अपने बायर को देना है। तो अभी 10 लाख रुपये का मेरे पास में एलसी आ गया है, तो एलसी मतलब मुझे एलसी आने वाला है, तो उस एलसी को कोलैटरल रख के मैं अपने बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे 7 लाख का एक एलसी ओपन कीजिए जिसको बैक टू बैक एलसी बोला जाएगा। तो वो बैक टू बैक एलसी में मेरा बैंक जो है, जैसे मैं अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मेरा बैंक मेरे मैन्युफैक्चरर के बैंक को दे देगा यानी जो मेरा सप्लायर है उसके बैंक को दे देगा। तो जो 10 लाख था और 7 लाख का बी टू बी एलसी हो गया, तो दोनों का डिफरेंस जो है 3 लाख रुपए यानी 30% जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर का वो प्रॉफिट मार्जिन है फ्रेंड्स। अगर इसमें एक नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी यूज बैक टू बैक एलसी, तो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया कि बैक टू बैक एलसी कैसे क्यों है, मतलब कब हम उसको ओपन कराते हैं। तो बैक टू बैक एलसी का ओपन कराने का उसी टाइम जरूरत पड़ता है जब उसमें मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ना हो डायरेक्ट, उसमें जो एक्सपोर्टर है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है और मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेके फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर उसमें दे रहा है, तो उसमें जो एक ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल एलसी रहेगा, ओरिजिनल एलसी के बिहाफ पे यानी वो कोलैटरल रख के बैक टू बैक एलसी ओपन कराया जाता है जो कि मैन्युफैक्चरर के बैंक को देता है मर्चेंट एक्सपोर्टर का बैंक यानी मेरा बैंक है, मेरा जो एचडीएफसी बैंक है जिसमें मेरा करंट अकाउंट है वो मेरे जो सप्लायर है सप्लायर के बैंक को दे देगा बैक टू बैक एलसी। तो ये जब भी जरूरत पड़ता है बैक टू बैक एलसी की, जब मर्चेंट एक्सपोर्टर बीच में हो यानी जो सप्लायर है और जो बायर है उन दोनों के बीच में मर्चेंट एक्सपोर्टर रोल प्ले कर रहा हूं एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर का, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है बैक टू बैक एलसी की अगर वहां पे फंड का रिक्वायरमेंट रहता है। अभी अगर एक नया क्वेश्चन ये आता है कि वाई बी टू बी की यहां पर बात हो रही है बैक टू बैक एलसी, वाई बैक टू बैक एलसी अमाउंट इज ऑलवेज लेस देन दी ओरिजिनल ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट का वैल्यू हमेशा बैक टू बैक एलसी से अधिक रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि देखिए अगर बैक टू बैक एलसी का जो था वो तो ओरिजिनल गुड्स का ही वैल्यू हो गया, गुड्स का जितना मैन्युफैक्चरर से हम गुड्स का ले रहे उतने वैल्यू का हो गया, अभी उसमें मेरा कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, मैं तो फ्री में धंधा नहीं कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो हो रख के फिर वो ओरिजिनल वैल्यू बनाया जाता है यानी मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मैं अपना इनवॉइस वैल्यू बनाऊंगा, जो मेरा इनवॉइस वैल्यू होगा उसके ऊपर मेरा जो बायर होगा वो अपने बैंक से एलसी ओपन कराएगा। तो
एलसी अगर जो गुड्स है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल के माध्यम से समझा था, अगर गुड्स का एक्चुअल वैल्यू 7 लाख का है और बैक टू बैक एलसी भी 7 लाख का हो जाएगा, और अगर उसमें मैंने ओरिजिनल वैल्यू देखा, मतलब 30% मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है, तो वो 10 लाख का ओरिजिनल एलसी ओपन कराना पड़ेगा क्योंकि मैंने रखा इनवॉइस वैल्यू 10 लाख का। फ्रेंड्स अब इसमें एक नया क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सपायरी डेट बैक टू बैक एलसी और ओरिजिनल वैल्यू की सेम होती है क्या? तो नहीं फ्रेंड्स, कई बार ये आपको देखने को मिलेगा कि बैक टू बैक एलसी का जो एक्सपायरी डेट रहता है वो थोड़ा सा पहले होता है, यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर उसमें अपना थोड़ा सा मार्जिन लेके रखता है 1-2 दिन का, जिससे कि गुड्स को टाइम पे पहुंचा सके। यानी अगर बैक टू बैक एलसी में 7 सितंबर का है, ओरिजिनल हो सकता है ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट में 10th of सितंबर हो, 2-3 दिन का वो बीच में गैप जरूर रखता है अपने पास में। अगर मैं बात करूं कि और जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशन से, जैसे क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, तो वो सब टर्म्स एंड कंडीशन से सर्विसेज और गुड्स का वो सेम रहता है कि इसमें बैक टू बैक एलसी में और ओरिजिनल एलसी में, तो ओरिजिनल एलसी और बैक टू बैक एलसी में दोनों में सेम कंडीशन रहती है, यानी जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो सेम रहना चाहिए और जो क्वांटिटी है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल जो एलसी है उसमें 10 क्वांटिटी है और बैक टू बैक एलसी में 9 क्वांटिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्वांटिटी भी आपकी सेम होनी चाहिए और क्वालिटी भी आपकी सेम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस इस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।